हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएलसी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रसाद यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, प्रोसीजर क्या होगा, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कौन सी लिंक होगी, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक एक चीज आपको डिटेल में इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो इसको आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है और हर एक पॉइंट आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए तो आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फेलोशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो जिसके लिए आपको पहले गूगल पर आप यहां से टाइप कर सकते हो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, और जो ये वाली लिंक है, दिस इज द ऑफिशियल लिंक ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रसाद यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपका ऑफिशियल पेज दिखेगा इस यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो आप एडमिशन 2024 एंड 2025 सेशन, तो या इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका प्रॉपरली आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डालकर आपको साइन इन करना है। आपने अभी तक नहीं करा है तो आप यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपसे रजिस्ट्रेशन करना है। सो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए ये जो लिंक है, ये लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, ताकि आप खुद भी इस लिंक को क्लिक करके आप खुद रजिस्ट्रेशन और इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है, ये खुद आप रीड कर सके, ठीक है। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जिसमें इन्होंने पीडीएफ में हर एक पॉइंट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में या फिर कितने सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो इससे यहाँ से आप सारे आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हो। टोटल 19 to 20 डिपार्टमेंट्स में आप यहाँ पर या फिर सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रखा है, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपका बैचलर्स आपका अगर 4 इयर्स का है एंड 8 सेमेस्टर है, और साथ ही साथ आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है विद द मिनिमम 55% मार्क्स, तो यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर आप अगर आपने बैचलर्स डिग्री ली है उसमें आपको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है एस सी एस टी एंड ई डब्ल्यू डी वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% का, ठीक। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि जो फेलोशिप है, रिसर्च फेलोशिप, ये आपको पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मिलेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई यानी किसी किसी कंडीशन में, यानी बहुत कम फेलोशिप यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को आप, या फिर उनके जो कंडीशन है उस पर अगर आप मैच करते हो तो आपको फेलोशिप दी जाएगी। जो आपको सीट्स होगी, सीट्स किस तरीके से मिलेगी आपको, कि आपके जो एकेडमिक आपका जो रिसर्च है और आपका जो एग्जामिनेशन से पहले कुछ आपको एंट्रेंस टेस्ट से पहले सीट्स आपको पता लग जाएगा। अभी इन्होंने सीट्स की डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर रखी है। प्रोसीजर किस तरीके से होगा आपका एडमिशन का, पेट एग्जामिनेशन होगा यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर मोड में यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा एज वेल एज ऑफलाइन भी होगा, ठीक है। दोनों मोड में आपके एग्जाम होंगे, जिसमें आपको ऑफलाइन मोड में अगर होगा तो ओएमआर शीट्स में आपको एमसीक्यूज में आपको आंसर्स मार्क करने हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। देन
नीचे उन्होंने बता रखा है, अगर जिसने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट यानी नेशनल लेवल टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, ठीक है। लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, उन्होंने प्रॉपरली वर्ड्स में यहाँ पर आपको बता रखा है। देन नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे रिजर्वेशन जो होगा आपका सीट्स का, इन्होंने बता रखा है स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी होगी स्टेट में, यानी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, प्रॉपरली एक दिल्ली में सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी, तो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट में किस तरीके से पैटर्न होगा, 50% होगा आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट को आपको पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना ही है, और रिलैक्सेशन दे रखा है 5% का SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आपकी प्रेपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, जो कि आपके पेपर का ये 50% होगा, 50% यानी आपको यहाँ पर 50% आधा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट वन एंड पार्ट टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस, 50 MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी, हम यहाँ पर अभी देखते हैं, ठीक है। आपको PDF में डिटेल में बता रखा है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स, थियरी वीडियो लेक्चर्स है, MCQs वीडियो लेक्चर्स है, देन हम आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे कि इन्होंने जो पूरा फॉर्मेट है यह NTA की तरह रखा है, NTA का जिस तरीके से इन्होंने 4 यूनिवर्सिटीज को कंबाइन कर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, ठीक है, NTA का, तो उसी तरीके से पूरा पैटर्न इन्होंने फॉलो कर रखा है। तो जिसके लिए आपको NTA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन भी आपको देखना है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो आपको वो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको क्वेश्चंस एक बार देख लेना है, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। तो हर एक मॉक टेस्ट में हमने 40 to 50 MCQs कवर कर रखे हैं। यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छी आपकी CBT टाइप में एग्जाम है, तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि CBT मोड में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। देन रिवीजन PDF, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से कवर कर रखा है। तो 1500 से भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और ये जो सारा कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ मिनिमम फीस, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, जल्द से जल्द आपको एनरोल होना है, क्योंकि हमारे कोर्स में हम आपको 100% पास गारंटी देते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। उसी तरीके से पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपको फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट करिए, या फिर आप हमारे ऐप पर, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, हमारे ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से है, हमारे ऐप के लोगो पर भी विजिट करके, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पर विजिट करके पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल का आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम इस पर चलते हैं। तो जिस देन आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे, देन ओनली आपको कॉल करा जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं। इंटरव्यू में आपको आपके प्रपोज रिसर्च वर्क से, रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आप रिसर्च वर्क करोगे, किस तरीके से आप आपका जो टॉपिक है उसको किस तरीके से आप चूज करोगे, एरिया ऑफ गैप अपने किस तरीके से निकाले, ये सब आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देन एडिशनल नॉलेज पूछे जाएंगे आपके एरिया ऑफ रिसर्च से, यानी जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एंट्रेंस इसमें जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस होंगे, 100 out of 100 marks आपकी मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। किस तरीके से 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट को दिया जाएगा एंड 30% आपका वाइवा पर, ठीक है। अब पेट एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा,
100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे, यानी 100 टोटल 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम एज इट इज इन्होंने पैटर्न एनटीए का फॉलो कर रखा है, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। देन आप नीचे आइए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने बता रखी है कि आपका जो पेट एग्जामिनेशन होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो आपका जो एग्जाम होगा दिल्ली सेंटर पर ही होगा, ठीक है, दिल्ली में ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आपको क्या है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट शुड रिटेन अ प्रिंट आउट ऑफ पेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसका आपका हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है उसका आपके पास एक प्रूफ होगा। इनकेस अगर किसी वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है तो एक आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि आपके अगर परसेंटेज जो है क्वालिफाई करने के लिए 49.99% आते तो उसको ये राउंड नहीं करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे 50% में, ठीक है। यही आपका होगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर आपको मार्क करना है, आपको बाय हार्ट प्रिपेयर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जिसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे, आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। देन नीचे अगर आप आते हो, इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ बता रखी है कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए आप, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जिससे कि मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया। लास्ट डेट होगी 31st of March। देन पेट एग्जामिनेशन आपका जो होगा इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो जिसके लिए आपको 15 अप्रैल डेट दी गई है। देन आपके जो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो एग्जेम्प्टेड है पेट एग्जामिनेशन के लिए, उनकी लिस्ट लगेगी जो कि 20 अप्रैल के दिन लगेगी, ठीक है। प्रॉपरली आपको डेट याद रखनी है। देन एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट होगी आपकी 27 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देन इंटरव्यू वगैरह सारा आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा 31st of July तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने आपके साथ शेयर कर रखी है, तो आप यहाँ से जो डेट से ये मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉपरली हर चीज़ की डेडलाइन दे रखी है, तो आप ये टेंटेटिव डेट से हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए डेट, ठीक है। देन नीचे आप देख सकते हो, नीचे इन्होंने सिलेबस वगैरह आपके साथ शेयर कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, स्केड्यूल भी शेयर कर रखा है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस किस सब्जेक्ट का, किस किस डिपार्टमेंट का कब एग्जामिनेशन होगा इन्होंने प्रॉपरली दे रखा है, 27 से 15 प्रॉपरली इन्होंने सारा आपको प्रॉपरली डेट बता रखी है, ठीक है। देन फी स्ट्रक्चर बता रखा है, 1257,000 फी है, ठीक है। देन उसके बाद रिफंडेबल होगी, रिफंडेबल पॉलिसी इन्होंने यहाँ पर ही बता रखी है, आप लिंक पर क्लिक करके आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देन इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है, जो भी मैंने आपके साथ शेयर करा प्रोसीजर उसको इन्होंने एक प्रॉपरली चार्ट में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हो। देन नीचे इन्होंने सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है कि किस तरीके से सिलेबस होगा, ठीक है। फुल टाइम PhD सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, रिसर्च मेथोलॉजी का आप देख सकते हो, बेसिक सिलेबस है, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च मीनिंग, साइंटिफिक रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रिसर्च के टाइप्स, डेटा कलेक्शन मेथड्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर उन्होंने रिसर्च मेथोलॉजी का सिलेबस वगैरह आपके साथ शेयर कर रखा है, तो उस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हो। हमने हर एक पॉइंट के किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, सिलेबस क्या होगा, फी क्या होगी, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स सब कुछ आपके साथ शेयर कर रखा है। पेट एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, आपके जो टॉपिक से किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने आवर्स का आपका पेपर होगा, कितने मार्क्स होंगे, टोटल सब कुछ आपको बता दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो कि हर एक चीज़ों की लिंक जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, PDF वगैरह, ऑफिशियल लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज इट इज़ आपका जो लिंक है, आपको किस तरीके से फिलअप करना है सब कुछ बताया गया है। फिर भी आपको जो भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ प्रोसीजर ऑफ
एडमिशन, पेट के थ्रू आपका एग्जामिनेशन होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, आपको हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा, पेपर टू का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू जिसके लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रखे, डायरेक्टली वहां से भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।